हो गई रिकॉर्डिंग ऑन। आज तो मैडम बोली भी नहीं। सर बोली सर, बोली बोली सर, बोली सर, बोली सर, बोली सर, मैंने मोबाइल से डिस्कनेक्ट कर लिया था तभी। ये सब सुनते हो क्या आवाज है ना? रिकॉर्डिंग आज सारे ओके ठीक है। तो बताइए, मेरे पास खोल लिया मैंने क्वेश्चन। तो सेवंथ क्वेश्चन है कि साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स, ठीक है, उसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, क्वालिटेटिव एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रिडिक्शन एंड वेरिफिकेशन, राइट? यही है सेकंड? यस सर, यस सर। हाँ, तो आप लोगों ने क्या टिक किया बताओ इसमें? सेकंड किया कौन? क्वेश्चन ने सेकंड, सौरभ ने सेकंड किया, और किसने सेकंड किया? थर्ड, सेकंड, किसी ने थर्ड भी किया। अच्छा, और डी भी किसी ने किया है क्या? डी डी सेकंड ही होगा, सब सेकंड बोल रहे हैं। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ अगर थर्ड हुआ तो फोर्थ भी किया है, फोर्थ भी, थर्ड भी है। जो बताइए जिसने फोर्थ किया है। देखो सबसे पहले भाई, इसने जो क्वेश्चन में बोला उसने सीरीज वाइज नहीं पूछा, इसने बस ये पूछा कि साइंटिफिक मेथड में ये चीजें होती हैं। अब इस पे बात करते हैं। तो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, क्या ये साइंटिफिक मेथड में होगा? यस सर, यस सर। क्यों होगा, क्या होता है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, कौन बताएगा? सिस्टमैटिक देखिए चीज को ऑब्जर्व करना। हाँ, कोई भी मैं चीज देख रहा हूँ, देखो सिस्टमेटिकली किसी चीज को ऑब्जर्व करना, मतलब पहले मैं छोटी चीज को फेंक के देख रहा हूँ न्यूटन के केस में, फिर बड़ी चीज को फेंक के देख रहा हूँ, फिर उससे बड़ी चीज को फेंक कर रहा हूँ सिस्टमेटिक, फिर उनकी रीडिंग ले रहा हूँ, फिर उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये क्या नीचे ही आ रही है, क्या इनमें से कोई ऊपर तो नहीं जा रहा, क्या ये सारी एक जैसी ही नीचे गिर रही है, क्या एयर नहीं होगी तो भी ये नीचे गिरेंगी, एयर होगी तो उनमें से पहले एक चीज कौन सी आएगी, तो ये क्या है? ऑब्जर्वेशन है सिस्टमेटिकली, राइट? पहले मैं देख रहा हूँ कि एयर के बिना ये कैसे गिर रही है, फिर देख रहा हूँ एयर के साथ ही कैसे गिर रहा है सेब मेरा, फिर देख रहा हूँ बड़ा सेब डाल रहा हूँ तो वो कैसे गिर रहा है, इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन है। क्या ये साइंटिफिक मेथड में नहीं आएगा? आएगा सर, आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी नहीं हो सकता, ये सबको क्लियर है, क्योंकि उसमें सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन नाम का वर्ड नहीं है। यस सर, यस सर। अब देख लीजिए, सब अपना असाइनमेंट खोल लीजिए, मैंने खोल लिया, देखो दिख तो नहीं रहा होगा पर मैंने खोल लिया, तो आप लोग भी खोल लिए, खोल लिए सर। तो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन पहला ऑप्शन डी कैंसिल कर दूं? यस सर, यस सर। अच्छा, सेकंड पार्ट, सेकंड चीज है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? हिस्सा था साइंटिफिक मेथड का? यस सर, यस सर, यस सर। सोचिए, याद है हाइपोथेसिस के बाद कौन सा स्टेप आया था? सर रिसर्च, एक्सपेरिमेंट। रिसर्च के बाद हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद क्या आया था? एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट तो है ही, ठीक है, डन? यस सर, यस सर। जोर से बोलिए, यस सर, यस सर। जय माता दी, ठीक है। अच्छा सिस्टमैटिक, अच्छा कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किसमें नहीं है? कंट्रोल एक्सपेरिमेंट ऑप्शन सी में नहीं है, तो काट दो ऑप्शन सी। यस सर, यस सर, ठीक है। अब ऑप्शन दो रह गए, या तो ए हो सकता है या तो बी। चलो बात करते हैं, अगली चीज है क्वालिटेटिव एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग के बारे में कल बात की थी मैंने शायद थोड़ी सी। क्या बोला था? फॉर्मूला, साइंटिफिक मेथड में इन्वॉल्व होता था वो? यस सर, होता था। तो है, तो क्वालिटेटिव एंड मैथमेटिकल, क्वालिटेटिव मतलब किसी चीज को ऐसे ही बता दिया ओरली कि इसमें फोर्स इतनी लग रही है, इतना मास लग रहा है, तो वो भी बात है, और लिख और मैथ फॉर्मूले की फॉर्म में भी बताना, तो दोनों साइंटिफिक मेथड के पार्ट होंगे, राइट? यस सर, यस सर। सबको क्लियर है ये चीज? यस सर, यस सर। किसी इक्वेशंस की फॉर्म में मैंने चीजों को बताना, यानी एफ इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एफ इस पे ये लग रहा है एफ इज इक्वल टू एम ए, इस पे लग रहा है एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन में आर स्क्वायर, तो इस फॉर्म में किसी को बताना, ये भी है। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग दोनों में है, ए में भी है और बी में भी है। अच्छी असली बात करते हैं नेक्स्ट, प्रिडिक्शन एंड वेरिफिकेशन, क्या ये है? यस सर, यस सर। और सोचिए दोनों में और क्या फर्क है दोनों ऑप्शंस में? सर क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, मैंने बोला उसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, रीजनिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं है? yes. क्या होता था रीजनिंग में? थ्योरीज देना, हाइपोथेसिस।
हाँ किसी चीज के बारे में बताना कि ये चीज क्यों हुई है, यही तो मेन कंसेप्ट होता है ना, कि एप्पल नीचे क्यों गिरा है, यस क्योंकि उसको अर्थ ने क्या किया है, अट्रैक्ट अट्रैक्ट किया किया है ना, तो ये तो रीजन दूंगा ही ना मैं, तो रीजनिंग तो मैंने बताया, रीजनिंग तो होगा ही किसी भी साइंटिफिक मेथड में, रीजनिंग तो मेन पार्ट ही होगा, है ना, समझ में आया, यस इसको मैं रिसर्च के अंदर भी सर डाल सकता हूँ, इसको यस मैं एनालिसिस के अंदर भी डाल सकता हूँ, समझ में आ रही है, सर इसमें कोई यस दिक्कत, तो इसका नो ऑप्शन सर क्या आना चाहिए, सेकंड ऑप्शन बी बी, क्लियर है सबको, जिसको क्लियर नहीं है हैंड रेस करे, और जो पॉइंट क्लियर नहीं है फटाफट पूछे, देखो सब देखो, पहले ऑप्शन देखो और फटाफट दो, रोहित शर्मा शतक लगाया, दोहरा शतक, जाइए कहाँ गए, अरे गलती से हो गया था क्या, रमी हाँ कुलभूषण आप कुछ बोल रहे हैं, सर ए और बी वैसे दोनों ही ठीक है ना। नहीं, ठीक दोनों है, लेकिन अगर ए और दो में बात करें, क्योंकि साइंटिफिक मेथड में सबसे जरूरी जो चीज होती है वो रीजनिंग ही होती है, जब तक किसी चीज का रीजन नहीं पता मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, राइट, सर ऑप्शन आ जाए एक ए और बी बोथ तो हमने वो नहीं सिलेक्ट फिर भी करना हमने है। बी ही करना है, क्योंकि ए में देखो रीजनिंग है ही नहीं, है नहीं ए में रीजनिंग, यस हाँ नो सर एक्चुअली ए ऑप्शन हमारा पूरा कंप्लीट भी नहीं है, इसमें आना चाहिए क्वालिटेटिव रीजनिंग एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग, फिर भी हमारा ऑप्शन बी आएगा अगर इसमें क्वालिटेटिव रीजनिंग, क्योंकि इसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग नहीं आया हुआ, क्वांटिटेटिव रीजनिंग मतलब मैथमेटिकल चीजों की फॉर्म ओके में, क्वांटिटीज की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चीजों को, समझ में आ रहा है, यस सर हाँ बोलिए, प्रगति ने एक बार हैंड रेस किया था, प्रगति आप कहाँ गए, सर मतलब पूछना था क्वांटिटेटिव रीजनिंग का, तो समझ में आ गया, यस सर हाँ मैथमेटिकली फॉर्म में या किसी भी अमाउंट की फॉर्म में बताना कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैथमेटिकल फॉर्म ज्यादा अच्छा रहेगा, क्वांटिटीज की फॉर्म में बताओ चीजों को, है ना, अभी के लिए तुम देसी भाषा में यही समझो, हम आगे आगे बढ़ेंगे ना आपको हर चीज का मतलब समझ में आएगा, और किसी को कोई डाउट, एट्थ ऑप्शन बी क्वेश्चन क्यों आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, सौरभ, दो हाँ बोलो, एट्थ क्वेश्चन हाँ 7th पे तो कोई डाउट नहीं है, नो सर 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द थ्योरी एंड हाइपोथेसिस, मैंने कल ही बताया था हाइपोथेसिस क्या होता था, सर ऐसी जो प्रूव ना जी हो सोचिए फिर किसी थ्योरी भी प्रूव टॉपिक ना को हो। समझाने के लिए जो मान बात को मानना होता है हाँ कोई रिसर्च करने के बाद किसी ने थोड़ा बहुत देखा और बता दिया, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं नहीं है, नहीं नहीं है, तो देखो पहला पॉइंट क्लियर है या नहीं, अ हाइपोथेसिस इज नॉट प्रूवन, तो ये तो बात सही है, यस सर यस तो ए तो सही है ही, सर ठीक है, और थ्योरी जो होती है वो थोड़ी बहुत प्रूफ पर चलती है, थोड़ा बहुत एविडेंस, हाइपोथेसिस और थ्योरी में फर्क ये है, देखो नए नए क्वेश्चन इसीलिए जरूरी है आपको, नए नए कंसेप्ट, थ्योरी शायद डिस्कस कर लिया था मैंने, फिर भी देखो हाइपोथेसिस मतलब एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं है, हमने थोड़ा सा रिसर्च किया और बता दिया, अब दुनिया वाले देखेंगे प्रूफ करेंगे, मैं भी प्रूफ करने की कोशिश करूंगा कि हाँ ये सही है या गलत है, उसका कोई एविडेंस नहीं है अभी, हाइपोथेसिस का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन थ्योरी का थोड़ा बहुत एविडेंस है है, समझ में आ रही है, यस yes, तो पहला ऑप्शन है अ हाइपोथेसिस इज नॉट प्रूवन साइंटिफिकली व्हाइल अ थ्योरी इज प्रूवन एंड टेस्टेड साइंटिफिकली, तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए या गलत, सही सही सर सही, डी गलत ऑप्शन, देखो अ हाइपोथेसिस, ए ऑप्शन तो ठीक है ही, अ हाइपोथेसिस रिलाइज ऑन द पॉसिबिलिटी एंड थ्योरी रिलाइज ऑन द एविडेंस एंड वेरिफिकेशन, हाइपोथेसिस कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है, हो भी सकती है और नहीं भी नहीं सकते, नहीं तो ये बात सही है या नहीं गलत है, भी सही सही सर सही है, सही क्योंकि है हाइपोथेसिस एक तो गैस है, इसका एविडेंस नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो नहीं कह रहा है थ्योरीज एविडेंस और वेरिफिकेशन पे बेस्ड है, तो क्या ये सही है या गलत है, सही सर सही है सही है, अभी हमने बात करी है कि थ्योरी सही कुछ एविडेंस हो तो थ्योरी है बोल सकते हैं, है ना, तो ये भी सही है, और सी ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, ए भी सही है बी भी सही है, सी पर देखो हाइपोथेसिस इज चेक्ड एंड वेरीफाइड साइंटिफिकली, क्या ये सही है, नो सर नो सर बिल्कुल गैस है, मतलब गैस भी नहीं बिल्कुल बोलूंगा मैं, एक ऐसी सर चीज है, एक स्टेटमेंट है हाइपोथेसिस, तो कि भाई न्यूटन ने रिसर्च किया है, किसी ने रिसर्च किया, उसने एक हाइपोथेसिस दे दी, अब उसको कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये बंदा तो कह रहा है उसको तो चेक करके बता दिया, तो ये नहीं हो सकता ना, नो सर फोर्थ ऑप्शन सर फोर्थ होगा इसका ऑप्शन डी, यस
और किसी को कोई भी डाउट? फोर्थ ऑप्शन सी है। नो सर। नो सर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्लासिकल फिजिक्स। हाँ ये क्वेश्चन उतरना चाहिए था सबके दिमाग में कि इसका भी डाउट आना चाहिए। देखो क्लासिकल फिजिक्स कुछ भी नहीं है, जो हम नॉर्मल मैकेनिक्स की बात करी है ना। यस सर, माइक्रोस्कोपी के लिए। हाँ, न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ ली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ लिया, ये सारी चीजें किसके अंडर आती हैं? क्वांटम को छोड़ दो, अभी क्वांटम को छोड़ के जो बाकी बच गया ना वो सारा पार्ट किस में आता है? क्लासिकल। क्लासिकल में। तो उसमें हमने क्या पढ़ा है सब में? माइक्रोस्कोपी। मैक्रो पढ़े हैं। क्वांटम में क्या पढ़ा था बताओ? माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप। बाकी सब में क्या पढ़ा होगा? माइक्रोस्कोपी। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ऑप्शन डी तो कोई नहीं लगा के आया। चलो लगा भी आए तो भी क्या हो गया, हमें तो बताया नहीं आपने। ठीक है, अब क्लियर है असाइनमेंट? यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 5 को रिपीट करना। क्वेश्चन 5 मैं ये कह रहा था, क्वांटम को छोड़ के अभी के लिए जो आपको मैंने दो ब्रांचेस बताई हैं, एक मैक्रोस्कोपिक एक माइक्रो, एक में तो हमने क्वांटम पढ़ा है ना। यस सर। और एक में रिलेटिविटी पढ़ी है। यस सर। रिलेटिव स्टिक वाली, उसको भी छोड़ दो एक बारी। बाकी जो बच गया हमारे पास वो सारा किस में आता है? क्लासिकल में। वो किसको क्या बोलते हैं हम? क्लासिकल। क्या बोलते हैं? क्लासिकल। यानी सिर्फ थर्मोडायनामिक्स, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सिर्फ ऑप्टिक्स, सिर्फ चौथी मैकेनिक्स, मैकेनिक्स, वो सारा किस में आ रहा है? क्लासिकल के अंदर ही आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है? क्लासिकल। तो वो सारे किसके साथ डील करते थे? मैक्रो के साथ या माइक्रो के साथ? मैक्रो। मैक्रो। इसलिए आंसर इसका क्या आ रहा है? ए। समझ में आ रहा है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। चले? नो सर। यस सर। चलो। यस सर। क्या आप याद दिला देना, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कि मैंने कौन से ग्रुप में असाइनमेंट शेयर किया है ना। ओके ठीक है, रिकॉर्डिंग भी ऑन है, सब कुछ ठीक है। अब मुझे बता दीजिएगा कि हमारी स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। सर एक बार सब क्या आंसर बता दो। बताओ किसका? सब के। थर्ड के? सब के? अच्छा तो इसमें टाइम लग जाएगा। चलो मैं फटाफट बता देता हूँ, देखता हूँ। पहला क्वेश्चन है द रेंज ऑफ फिजिक्स, इसका आंसर क्या आना चाहिए? फटाफट बताओ। बी। सर बी। बी। जीरो टू इनफाइनाइट। ठीक है ठीक है। यस सर। हाँ सेकंड, The A. branch of physics deals with electric A. and magnetic field. क्या होना चाहिए? Electromagnetism part A, मतलब option A, ठीक है? C, the science word originate from B. Three word. Latin word. Latin का word है ये, किसका word है? Latin का word. Scientia. ठीक है? Option A. तो fourth में है, which of the following statement is correct? Universal law of gravitation is hypothesis. Universal law of gravitation can be verified. None of the above, both A and B. बताओ. Both A and B. Can be verified. Both A and B. क्या ये hypothesis थी? B. Hypothesis. B. किसने दी थी hypothesis? Newton. Newton ने दी थी. तो कभी ना कभी तो ये hypothesis थी ना? Yes sir. Yes. Yes sir. Yes. और hypothesis थी तो ये verify हो सकती है या नहीं हो सकती? हो भी सकती है और? नहीं भी सकती है. अच्छा ये हो सकती है. तो हो भी सकती है, राइट? यस सर। अगर इसमें बोला होता ना कि मस्ट बी, अगर यूनिवर्सल लॉ ऑफ, चलो आगे क्वेश्चन आएगा फिर हम देखेंगे। इसके लिए ऑप्शन ए और बी दोनों ठीक थे, सबका यही होगा? यस सर। कोई डाउट इसमें? सर इसमें तो इज लग रहा है, तो इस अभी तो इसमें से दोनों में हमेशा ऑप्शन बी ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें पता है कि वेरीफाई हो गई है ना। यस सर। सपोज करो कोई अननोन कोई भी हाइपोथेसिस बोल दे, जो हमें जो आज तक हमने सुनी भी नहीं, कोई एक कोई ऐसा लिखा होता अ हाइपोथेसिस मस्ट बी वेरीफाइड, मतलब हमेशा वेरीफाई होनी चाहिए, तब ये आंसर गलत होगा। क्या ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं कि मस्ट बी वेरीफाइड? नो सर। नो सर। क्या हमेशा वेरीफाई हो जाएगी हाइपोथेसिस? नो सर। हाँ देखो क्वेश्चन की सेंस समझना, अगर वो क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि हाइपोथेसिस वेरीफाई होने के बाद हमेशा आंसर यस आना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हाइपोथेसिस वेरीफाई होने के बाद अगर वो कह रहा है कि हमेशा आंसर यस आना चाहिए कि हाँ हाइपोथेसिस हमेशा वेरीफाई ठीक होगी, मतलब आंसर यस आएगा, तो क्या ये पॉसिबल है? नो सर। क्योंकि हाइपोथेसिस तो कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, गलत भी प्रूफ हो सकती है, राइट? यस सर। तो हम इस ऑप्शन को क्लिक नहीं कर सकते, लेकिन अभी के लिए हमें पता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
ग्रेविटेशन न्यूटन ने हाइपोथेसिस दी थी और वो प्रूव भी हो गई थी, वेरीफाई भी हो गई थी, तो यस बोथ ए एंड बी. ठीक है, तो हाइपोथेसिस कैन बी वेरीफाइड, इट इज करेक्ट. ठीक है, ऐसे भी आ जाएगा हाइपोथेसिस कैन बी वेरीफाइड, यस हो सकता है. हाँ बोलिए बोलिए, स्पार्श कुछ बोल रहे हैं, स्पार्श और रमन, रमन आपने कुछ बोला? नो सर. नो सर. ठीक है, हाँ तो इसका ऑप्शन क्लियर है सबको, ऑप्शन ए एंड बी. यस सर. इसमें हम पढ़ चुके हैं, अभी मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी डिस्कस किया है. ठीक है, यस सर. जो जिसका ध्यान नहीं था वो ध्यान से देखेगा. ऑप्शन सिक्स, अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अवार्डेड विद नोबेल प्राइज. ये ऑप्शन आपको नहीं पता होगा लेकिन आंसर का क्योंकि बहुत लोग समझते हैं कि आइंस्टीन को रिलेटिविटी के लिए E is equal to mc square के लिए नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन नहीं, आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला था वो किसके लिए मिला था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए. ठीक है, ये तो थोड़े बहुत अननोन क्वेश्चन चलते हैं, मैंने जान करके डाले हैं ताकि आप लोगों को पता लगे. हाँ सारा कुछ पढ़ा पढ़ाया नहीं आएगा. सेवंथ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, एट्थ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं. यस सर. यस सर. क्लियर? ठीक है, हाँ तो मुझे बताइए स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही. आगे से मैं आपको आंसर की अगले दिन भेज दूंगा. ठीक है, ये तो छोटे क्वेश्चन थे इसलिए हमने फटाफट डिस्कस कर लिए, तो क्लास में होना पॉसिबल नहीं होगा. हाँ प्रॉब्लम्स ले सकते हैं हम क्लास में, लेकिन आंसर्स हम उसी पे दे देंगे. देखो स्क्रीन दिख रही है सबको? नो सर. नो सर. अभी देखो तो सही. अरे देखो तो आगे चलते हैं, कहाँ पहुंच गए थे? चलो चलो, ये हमने अभी किसी बच्चे ने पूछा था न्यूटोनियन मैकेनिक्स बता दो, ऐसा कुछ पूछा था ना? यस सर. आज बताएंगे. यस सर. तो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया था हमने कल. यस सर. बताओ क्या था? डी, क्वांटम मैकेनिक्स. तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स शायद कल बताया था ना? Yes, हाँ, जिसको नहीं समझ में आया वो फटाफट देख ले. न्यूटोनियन मैकेनिक बेटे वही होता है, मैकेनिक्स ही होता है सेम, लेकिन उसमें हम क्या, हम मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? किसका क्वेश्चन था ये? मैक्रो. हाँ बताओ बताओ बताओ, मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं? फोर्सेस के बारे में. ये मोशन, वो मोशन जो फोर्सेस की वजह से होते हैं, मोशन अंडर फोर्सेस. हर मैकेनिक्स में, चाहे ये मैकेनिक्स हो चाहे वो मैकेनिक्स हो चाहे ये मैकेनिक्स हो, हर मैकेनिक्स में यही पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ पर न्यूटोनियन है तो इसका मतलब न्यूटन की मदद से, न्यूटन ने जो लॉ दिया है ना उनकी वजह से इसमें हम मोशन अंडर फोर्सेस पढ़ेंगे. ठीक है? यस सर. डाउट किसी को? नो सर. जिसने क्वेश्चन पूछा था उसको क्लियर है कि न्यूटन मैकेनिक्स इज द मैकेनिक्स जिसमें हम न्यूटन की हेल्प से बॉडीज का मोशन और उनके फोर्सेस लग रही है, उनके फोर्सेस के ऊपर स्टडीज करेंगे. ठीक है? ओके. लिखा भी हुआ है न्यूटोनियन मैकेनिक्स डील विद द मोशन ऑफ द बॉडीज, इन्होंने छोट में बता दिया उसको. हाँ बोलिए बोलिए, कोई कुछ पूछ रहा है? बोलिए. ओके, आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं जो भी पूछ रहे हैं, मुझे दिखाई नहीं दिया अभी. ठीक है, तो देखो ये हम पढ़ चुके हैं आदि मानव और उसकी कथाओं में, इसलिए मैंने वहां पे ज्यादा टाइम लिया था. देखो, फिजिक्स लीड्स टू इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, क्या ये बात सही है या नहीं है? यस सर. यस सर. क्योंकि नीड लीड्स, अच्छा लीड्स टू इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, इससे पहले एक लाइन आती है, नीड फॉर टेक्नोलॉजी लीड द डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स, क्या ये बात सही है या नहीं? अभी बात कैसे सही है? आदि मानव की बात सुनी थी हमने, उसको प्रॉब्लम थी. आसान थी, किसी ऐसी चीज की जरूरत थी कि जो वो जल्दी भी पहुंच जाए और अकेला भी ले जाए और आसानी से भी ले जाए, है ना? यस. जरूरत को क्या बोलते हैं? नीड. उसको किसी चीज की नीड थी, तो कोई ऐसी चीज की थी तो डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स. अब देखो, अब इसकी बात करेंगे हम, इससे भी थोड़ा सा पहले बाद में चलते हैं. फिजिक्स लीड्स टू इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, उस लाइन पे मैं वापस आऊंगा. फिजिक्स, तो उसने जो भी इन्वेंशन अपने दिमाग लगाया था आदि मानव में, चाहे न्यूटन ने, उसकी वजह से आज हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी आई है या नहीं आई है? नहीं. यस सर. यस.
उस टाइम क्या आई थी, कार्ट आ गए थे, उन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया था, बुल कार्ट आ गए थे, यस सर, बैलगाड़ी, और हॉर्स कार्ट भी आ गए थे, जिसको क्या बोलते थे हम, घोड़ा गाड़ी, याद आया, उन्होंने ऐसी आदिमानव के तो मैंने एग्जांपल दिया, जिसने भी बनाया होगा उन्होंने दिमाग लगा के यहाँ तक पहुंच गए होंगे ना, उनको साधन की जरूरत थी तो उन्होंने क्या बना दिया, बैलगाड़ी, और क्या बना दी, घोड़ा गाड़ी बना दी, हॉर्स कार्ट बना दिया। अब क्या हम वहीं रुक गए थे, हमने उसके बाद कुछ नहीं किया था? नो सर, नो सर। उसके बाद क्या बना, पहले बाइक, कार, बस, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। तो जैसे जैसे हमने फिजिक्स लगाई चीजों पे, हमारी नई टेक्नोलॉजी आई या नहीं आई? यस आई, हमारे पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ गई, देखो इसको ध्यान से देखो, आ गया ना, इसको क्या बोलते हैं ऑटोमोबाइल, तो नई टेक्नोलॉजी आई, आ गई समझ आ रही है? धीरे धीरे ह्यूमन को भी पंख लगेंगे। हाँ, धीरे धीरे ह्यूमन को भी पंख लगेंगे। हाँ बिल्कुल। तो अब देखो यहाँ पर, देखो नीड फॉर टेक्नोलॉजी लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स, ये सारी चीजें क्यों आई थी, क्योंकि हमें चीजों की क्या थी, नीड थी, है ना, प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम थी तो क्यों थी, क्योंकि हमें किसी नई चीज की जरूरत थी, राइट? यस सर, समझ में आ रही है ये बात? यस सर। हाँ, तो ये लाइन मैं इसलिए स्किप कर रहा था क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब जो मेन टॉपिक है वो रहा ये है फंडामेंटल फोर्सेस, क्या पता इसके बारे में, कल डिस्कस तो नहीं किया था ये हमने? फंडामेंटल फोर्सेस क्या होता है, कौन बताएगा, सबको मैं दिख रहा हूँ? यस सर। ठीक है, बताइए फंडामेंटल फोर्सेस क्या होता है आपके अकॉर्डिंग, मैं साथ साथ फोन में भी ज्वाइन कर लूं, बीच में मेरा लेफ्ट हो गया था इसलिए मेरे को उस लेडीज की आवाज सुनाई नहीं दी आज, है ना, जिसने क्या बोला था, दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। ठीक है, हां वेरी गुड। तो बताइए, ये नहीं बताना कि रिकॉर्डिंग हो रही है, ये बताना कि फंडामेंटल फोर्सेस क्या होती है, ये बताना है। अब जो चैट भी यूज कर सकते हो, मैंने को दिख रहा है। हाँ बताइए, क्या समझते हैं फंडामेंटल से, फिजिकल वर्ल्ड में अप्लाइड होंगी। प्रगति कुछ बोल रही है। हाँ बोल प्रगति, बोलिए। तो जो मेन फोर्सेस होंगी जो फिजिकल वर्ल्ड में अप्लाइड होंगी। हाँ ये बात भी हो सकती है, लेकिन एक बात है प्रगति, सिर्फ फंडामेंटल फोर्स ही नहीं, बहुत सारी फोर्सेज होती हैं, और भी फोर्सेज होती हैं जो फिजिकल वर्ल्ड में अप्लाई होती हैं, लेकिन फंडामेंटल फोर्सेज में कुछ खास बात होती है, वही मैं पूछ रहा हूँ कि फंडामेंटल फोर्सेज होती क्या है, पहले तो ये बताएं सर। फॉर एग्जांपल, जो इंडिपेंडेंट होती है, फंडामेंटल फोर्सेस होती क्या है सर, जो यूनिवर्स को इंडिपेंडेंट होती है, ये बात भी एक पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है कि इंडिपेंडेंट होती है ना, ये बात भी बोल सकते हो फंडामेंटल फोर्स। भाई साहब इतना बड़ा लिख दिया, कौन है भाई, क्या बात है, स्पाइस। फंडामेंटल फोर्स आल्सो कॉल्ड द फंडामेंटल अट्रैक्शन इन फिजिक्स, एनी ऑफ द फोर बेसिक फोर्सेस, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रांग, वीक, दैट गवर्न हाउ द वर्ल्ड। कहां से चिपका गया है ये, विकिपीडिया से क्या, स्पाइस? अरे गूगल से कॉपी पेस्ट हुआ है, गूगल से कॉपी करके, अरे गूगल से आया सीधा ये, कोई बात नहीं। हां वो दिख रहा है कि एग्जैक्ट पंक्चुएशन लगाई हुई है हर जगह, कॉमा, हाइफन, इतना तो मैं भी नहीं यूज करता, इंग्लिश वाले बंदे भी यूज नहीं करते होंगे। गूगल बाबा जिंदाबाद। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन गूगल पे देख रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन समझ के मुझे बताओ भी तो सही ना। द फोर्सेस फ्रॉम पुश और पुल दैट आइदर चेंजेस द स्टेट ऑफ द रेस्ट, और ये बात समृति आपने बोल तो दी, बिल्कुल ठीक है, ये फोर्सेस की डेफिनेशन हो गई कि फोर्सेस क्या होते हैं, बिल्कुल ठीक है फोर्सेस की डेफिनेशन तो, लेकिन हम पूछ रहे हैं फंडामेंटल फोर्सेस। देयर इज नो सिंपलर वे फॉर द फिजिसिस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट द फोर्सेस डू और हाउ टू डू इट, ये तो बहुत अच्छी चीज बोली है इन्होंने। तनिष्का आपने कोई लेक्चर अटेंड किया हुआ पहले? तनिष्का चलो कोई बात नहीं, आपने कोई लेक्चर अटेंड किया था पहले मेरा? नो सर। लेकिन बिल्कुल सही, वेरी गुड तनिष्का, आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, बहुत अच्छी बात की है तनिष्का ने, जो बात की है वो मैं आपको रिपीट कर दूं। तनिष्का ने बोला
सर बिकॉज देर इज नो सिंपलर वे फॉर अ फिजिसिस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट द फोर्सेस डू और हाउ डू दे डू इट. बहुत अच्छी बात किया, अब इसको समझने वाला समझेंगे. हाँ हाँ गूगल बाबा की जाए, दे अलोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ फोर्सेज इन नेचर. ये महक ने भी बहुत अच्छी बात किया है. महक बोल रही है कि दे ऑल, महक को लेकिन हम थोड़ा सा करेक्ट और करेंगे अच्छे से. महक ने बोला है कि दे अलोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ फोर्सेज इन नेचर. ये बात बिल्कुल ठीक है, वैसे इसको एक्सप्लेन करेक्ट करने की जरूरत है नहीं. फॉर ऑल द फोर्सेज बेसिकली महक देसी भाषा में बोल रही है सारी फोर्सेज के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फोर्सेज है वो फंडामेंटल फोर्सेज है. हाँ फंडामेंटल इंटरेक्शन भी होते हैं आशीष का. जो फोर्सेस हम डेली में एक्सपीरियंस करते हैं उन्हें फंडामेंटल फोर्सेस कहते हैं. डेली में तो करते तो हैं, लेकिन सारी फंडामेंटल फोर्सेस भी डेली में कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सारी फंडामेंटल हम डेली एक्सपीरियंस नहीं करते. दूसरी बात, हम जो फंडामेंटल फोर्सेज नहीं है हम वो वाली फोर्सेज भी एक्सप्लेन करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं. हम देखते हैं कैसे. देखो मैंने ना अभी एक एग्जांपल दे के हटा था मैं बच्चों को, आप लोग भी वही सुनो. इट हैज फोर टाइप्स, बिल्कुल ठीक, टाइप तो ठीक है सुजल. अच्छा अब मैं जो करूंगा ना उसको रिपीट करना, मैंने अभी बात करी थी बच्चों से, ठीक है सब कर लोगे, याद करना. रिपीट नहीं करना, मैं आगे क्या लिखने वाला हूँ वो बताना. बोलते रहो. 1 2 3 4 5 6 आगे क्या लिखूंगा? 4 4 5 अब शांत हो जाए. मैं पूछ रहा हूँ समर से कि 3 के बाद 4 क्यों आया है, या कोई भी बताओ 3 के बाद 4 ही क्यों आया है, कौन बताएगा मुझे? एक्चुअल सीक्वेंस वही है. एक्चुअल सीक्वेंस वही है, कौन कह रहा है? प्रूफ दो, प्रूफ दो, प्रूफ दो. सर हमने पढ़ा है, सर पढ़ा है तो बोले सर. प्रूफ चाहिए मुझे, प्रूफ. और कांस्टेंट है, गूगल कर लो. जैसे डिस्कवर हुआ है, ऐसे डिस्कवर हुआ है ना. आपने तो प्रूफ बनाया नहीं, आप कैसे बोल सकते हो कि मैं कैसे मान लूं कि 7 के बाद 8 ही आता है. मैं तो 7 के बाद 9 लिखूंगा जी, मेरे पास पेन है, मेरे पास पेपर है, लो. सर किसी ने हाइपोथेसिस दी है होती ना, अगर हाइपोथेसिस दी भी होगी किसी ने तो उसका फिर प्रूफ बताइए. हमने तो अभी साइंटिफिक मेथड में कंक्लूजन लिया है. बिल्कुल सही है, लेकिन बिल्कुल ठीक है, मैं तो ये कह ही रहा हूँ होता है फॉलो 7 to 8, लेकिन मैं 7 to 9 क्यों नहीं लिख सकता? 7 के बाद 8 ही क्यों आ रहा है? अच्छा और लो, और लो, और लो, 2 + 2 = 4 ही क्यों होते हैं बताओ? सर मैथ वाले में हमने बताया था, सब कन्वेंशनली ऐसे ही हमने इस चीजों को लिया है. वेरी गुड, कन्वेंशनली हमने ऐसे ही लिया है, पर कुछ ना कुछ लॉजिक हो रहा होगा हमें अभी पता नहीं है, राइट? ऐसा भी है ना. सर ए के बाद बी क्यों आता है, जेड क्यों नहीं आता है? हाँ ए के बाद बी क्यों आता है, हमने कन्वेंशनली ले लिया, बिल्कुल ठीक है. लेकिन आप देखो ना, कन्वेंशनली लेने के बाद चीजें कितनी अच्छी चल रही हैं. अगर मैं ये लिख रहा हूँ कन्वेंशनली लेने के बाद बुक, ठीक है, तो ये वर्ड बन रहा है ना एक पूरा. कन्वेंशनली मैंने ऐसे ही तो नहीं ले लिया, इसका मतलब भी बना है किताब, है ना. एक के बाद अगर 2 3 4 लिए, कन्वेंशनली लिया तो देखो 5 + 4 जोड़ रहा हूं तो 9 होगा. और कन्वेंशनली ऐसा हुआ है कि मैं ऐसी चीजें ली गई है कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ. देखो 7 + 8 भी मेरे को पता है 15 होगा. अगर सिर्फ यही चीजें मानी हुई होती तो मेरे से ये कैलकुलेशन कैसे हो रही है फिर? तो कुछ तो लॉजिक लगा हुआ है इसमें, अभी तक मेरे को चाहे नहीं पता, लेकिन हाँ ये तो पता है पक्का कि 1 के बाद 2 ही आता है ना. यस 2 के बाद 3 आता है. हाँ किसी ने शुरुआत में तो किया होगा, कुछ तो देखा होगा, कुछ तो बताया होगा, लेकिन हमें तो नहीं बताया. हमें पता है कुछ कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है. किसी ने भी दिया उसने काउंटिंग ही दे दी सीधी, है ना. कभी टीचर ने पूछा तुमसे क्लास में कि 3 के बाद 4 क्यों आता है? नो चालू है, सारे चालू है ना. है ना, किसी टीचर ने कहा कि 4 के बाद 5 क्यों आता है बच्चे? किसी ने ये भी नहीं कहा कि बेटे 2 और 2 = 4 होते क्यों है किसी बच्चों? दया कुछ तो गड़बड़ है ना, सोचते हैं अभी देखते हैं आगे. अच्छा मेरी बात, 2 multiply by
थ्री सिक्स होता है, ये सबको पता है? रीजन इसका रीजन देने की तुम कोशिश कर सकते हो, देखो कैसे तुम्हें... अगर तीन को दो बार जमा करे हाँ, तो भी क्योंकि ये टू टाइम्स थ्री है, मतलब दो को तीन बार जमा कर दो, एक बार दो, दो बार दो, तीन बार दो, इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो सिक्स। लेकिन आप देखो जिसने भी आंसर दिया है, अब मैं तुमसे ये कहूंगा कि इस दो और दो को ऐड करके फोर आया, तो ये कैसे आ गया टू प्लस टू, फिर वहीं पहुंच गए हम। ये तो अगर ये नहीं पता होगा मेरे को टू प्लस टू फोर होता है ना, तो ये कैसे पता होगा फोर प्लस टू सिक्स होता है, फिर वहीं पहुंच गए, ये कैसे पता, मुझसे मत पूछो ना, नहीं पूछते आपसे ही हम, ठीक है। टू प्लस थ्री को टू टाइम्स कर लो, बोलो बोलो, तो थ्री को टू टाइम्स प्लस कर लो, थ्री प्लस थ्री, फिर कह दो थ्री को टू टाइम्स प्लस कर लिया, तो थ्री प्लस थ्री सिक्स कैसे होता, थ्री प्लस थ्री सेवन क्यों नहीं होता सर, क्योंकि फंडामेंटल रूल पे बने, ये फंडामेंटल चीजें हैं, कैसी हैं फंडामेंटल, देखो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, फंडामेंटल चीजें होती है जो है, होती है ऐसी ही होती है भाई, इसका कोई मतलब होता होगा कुछ लॉजिक, अभी मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को जो ऑब्जर्व कर पा रहा हो ना, तुम बच्चे थे, तुमने जो ऑब्जर्व किया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तुमने वही बोल दिया। यस सर, मैं भी बच्चा था, मैंने भी पढ़ा था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, एंड मैंने वो बोल दिया, जो मैंने ऑब्जर्व किया भाई वो ऐसा ही होता है, ये चीज ऐसी ही है, तो उस चीज को क्या कह रहा हूँ मैं, फंडामेंटल, ये बेसिक चीजें हैं, क्या है बेसिक चीजें, काउंटिंग हमारी बेसिक चीज है या नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बेसिक चीजें हैं, ऐसी बेसिक चीजें जो हैं ऐसी ही हैं भाई, अभी अगर होगा भी सही, पहले तो मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या रीजन है, लेकिन अगर होगा भी सही तो मेरे को अभी समझ ही नहीं आ रहा, बट हाँ ये ऐसी ही है, मैंने ऑब्जर्व किया है, लेकिन ये इसके अपोजिट बिहेव नहीं कर पाएंगे, ये पक्का पता है मेरे को कि टू प्लस थ्री फाइव नहीं होता, ये तो श्योर है, लेकिन हाँ ये ऐसा ही है, ये नहीं पता क्यों, लेकिन टू प्लस थ्री फाइव नहीं होता, ये तो पता है हमें। yes. अरे बोलो टू प्लस थ्री फाइव नहीं होता, टू प्लस थ्री फाइव बोलो भाई, टू प्लस थ्री फाइव होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ टू प्लस थ्री सिक्स नहीं होगा कभी भी, टू प्लस थ्री फाइव क्यों होता है इसका रीजन नहीं पता, लेकिन टू प्लस थ्री सिक्स नहीं होगा ये पता है, क्योंकि मैं सीखता आ रहा हूँ, मैंने ऐसे ही देखी है चीजें, राइट, हाँ तनिष का बोलो, यस बोल रहे थे, अच्छा तो जो चीजें जैसी हैं वैसी ही दिख रही हैं, मतलब जो मैंने ऑब्जर्व किया नेचर में एज इट इज हैं, उसको क्या बोलता हूँ, फंडामेंटल चीज, क्या बोलता हूँ, फंडामेंटल, फंडामेंटल चीज, अभी एग्जांपल भी देंगे हम, तो याद रखना, ऐसे ही तुमने एक डायमेंशन में भी पढ़ा होगा फंडामेंटल क्वांटिटीज, यस सर, और एक और क्वांटिटी पढ़ी होगी Derived quantities. ऐसे ही इसमें भी होती है fundamental forces और derived forces, ठीक है, ये पढ़ लोगे तो वो अपने आप क्लियर हो जाएगा, तो अभी बात करते हैं fundamental, जो ऐसी की ऐसी है जो मैंने ऑब्जर्व करी है, बेसिक फोर्सेज जो लग रही है, वो बेसिक फोर्सेज जो मैंने ऑब्जर्व करी, अभी हम इसकी डेफिनेशन बनाते चलेंगे, देखना वो बेसिक फोर्सेज जो ऐसी की ऐसी है जो मैंने ऐसी ऑब्जर्व करी है, भाई हाँ ऐसी ही होती है, इनका नेचर ही यही है, ठीक है, अगर कुछ रीजन भी होगा तो अभी मुझे नहीं पता भाई, अभी ये नेचर में मैंने ऑब्जर्व ही ऐसी करी है और ऐसी ही है, ठीक है, कोई डाउट, सब बोलो, जिसको डाउट है अभी अभी तक की स्टेटमेंट में वो हैंड रेस करे, शर्माने की जरूरत नहीं है, अभी धीरे धीरे सारा क्लियर हो जाएगा, और जिसको डाउट नहीं है वो माइक ऑन करके बोले ठीक है सर समझ में आ गया, ठीक है ठीक है, तो फंडामेंटल फोर्सेज जो ऐसी ही है नेचर में, जिनका नेचर है ऐसा ही, मुझे अभी ज्यादा पता नहीं, हाँ पेपर में नहीं लिखूंगा कि कांट एक्सप्लेन, क्योंकि ये भी नहीं पता कि एक्सप्लेन कर पाऊंगा या नहीं, हाँ लेकिन ऐसी ही है। अब बात करते हैं आगे, चार फोर्सेज दिख रही है तुम्हें, देखो बताओ कौन कौन सी है, पहली फोर्स क्या है, दूसरी फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, इनको मिला के मैं एक बार लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक क्लास में भी यही बोल रहा था कि इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे इलेक्ट्रिक फोर्स उठा ली ऐसे मैग्नेटिक फोर्स उठा ली मिक्स कर दिया,
ये तो पेन पेपर हाथ में तो लिख रहा हूँ, लेकिन इनका भी कॉम्प्लेक्स होता है प्रॉब्लम बड़ा, है ना। हाँ अभी के लिए मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से जो फोर्स लग रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है अभी के लिए। इसको क्या बोल देता हूँ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। अभी बात करेंगे सबके अंदर डीप में, इसको बोल देता हूँ वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है भाई साहब? ग्रेविटेशनल फोर्स है ये, अभी किसी ने बोला था कि दो मासेस की वजह से हुआ है ना, आपस में कैसी फोर्सेस है ये? अट्रैक्टिव फोर्स। गीतांश कुछ बोल रहे हैं, गीतांश? यस सर, सर ये डेफिनेशन ठीक है सर, फंडामेंटल फोर्सेस की। Fundamental force is the force present in the beginning of the universe. Beginning of universe के लिए ना हम अभी पूरा clear नहीं है कि कैसे हुआ है ना, तो हम पूरा बता भी नहीं सकते। Big Bang theory से अगर आप Big Bang theory से relate कर रहे हैं तो depend करता है कि आप कौन से stage पे बात कर रहे हैं ना, तो ये complex हो जाएगा। हाँ कुछ हद तक ये बात सही भी है, कुछ हद तक अभी तुम्हें पता लगेगा क्यों, अभी आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। लेकिन हाँ बहुत हद तक ये बात ठीक भी है। अच्छा तो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स जो थी हम उस पे थे कि दो मासेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, है ना, तो वो जो फोर्सेस लगती है उनके बीच में वो कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कोई भी तुमसे टीचर ने ये सवाल तो जरूर पूछा है कि एप्पल नीचे क्यों आता है, पूछा है ना? हाँ सर बिल्कुल ठीक है आंसर। हाँ क्यों आता है, क्योंकि कौन सी फोर्स लग रही है? हमें भी ये पढ़ाया गया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो कैसी फोर्स होती है? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव होती है, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव सबने पढ़ा हुआ है ना कि दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। कभी किसी ने ऐसे पूछा तुमसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव क्यों नहीं होती, दो मास रिपेल क्यों नहीं करते? किसी ने भी आज तक पूछा हो? चलो रेंज इनफाइनाइट है, बिल्कुल इनफाइनाइट है, लेकिन इससे क्या ये प्रूफ होता है कि ये रिपल्शन नहीं कर पाएंगे? कुलभूषण क्या ये प्रूफ होता है इससे? सोचिए, रेंज तो इनफाइनाइट है बिल्कुल, लेकिन इससे ये तो प्रूफ नहीं होता ना कि ये इनफाइनाइट मतलब रिपल क्यों नहीं करेंगे दो मास। हाँ तो अच्छा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स तो अभी हम पढ़ेंगे, चलो आप इलेक्ट्रिक फोर्स को पकड़ो। दो चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट भी कर सकते हैं रिपेल भी कर सकते हैं। अगर दो पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट। पॉजिटिव और पॉजिटिव हो तो रिपेल। कभी किसी ने पूछा कि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट? क्यों करते हैं, पूछा किसी ने? नेगेटिव और नेगेटिव रिपेल क्यों करते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव बोल तो दिया, अपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, क्यों करते हैं? तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कारण। कैसे बताओ, बहुत एक्सप्लेन करो कैसे? सर क्योंकि वो जाती है साउथ से नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। हाँ बिल्कुल ही बोल रहे। अभी सुनो सुनो, इसलिए मैंने बोला मैग्नेटिक के बारे में कईयों को नहीं पता, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात। आपने बोला अंदर की तरफ बढ़ती है मैग्नेटिक मिल जाती है साउथ टू नॉर्थ, अंदर की तरफ बात करो राइट, और बाहर की तरफ ऐसे हम सिंपल मैग्नेट की बात कर लेते हैं, छोड़ो नॉर्थ टू साउथ जाती है राइट। यस सर, ऐसा ही होता है, और अंदर साउथ टू नॉर्थ जाता है, ऐसा ही होता था। यस यस सर। लेकिन अब मैं पूछू क्यों अपोजिट क्यों नहीं जा सकती, क्या इसका आंसर है हमारे पास अभी? नो सर। नो सर। जिसने भी बोला था अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कारण। यस सर। है इसका आंसर? नो सर। नहीं है। लेकिन अभी हम इसको ना अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अलग से इकट्ठा आ जाएगा ना तब रिपेल कर देंगे। हालांकि मैं अभी ये समझाना चाह रहा था ताकि एक और क्वेश्चन निकल आए हमारा, इसलिए मैंने रिलेट कर दिया, ठीक है। हाँ
तो अभी तक किसी ने नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा? क्योंकि ये कैसी चीजें हैं? फंडामेंटल। ये ऐसी कैसी एग्जिस्ट करती है, इनका नेचर हमने ऑब्जर्व किया है। आप 11th की या 12th की जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, आपको दिखेगा कि समवन रब सिल्क क्लोथ विद ग्लास रोड, तो उसने एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसमें एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ऐसे ही कईयों ने बिहेवियर शो किया कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हमने देखा दो टाइप की ही चीज, दो बीआई टाइप के बिहेवियर ऑब्जर्व करे हमने। तो एक को तो बोल दिया पॉजिटिव चार्ज, एक को क्या बोल दिया? नेगेटिव चार्ज। अगर जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज बोला है आज, अगर हम उसको क्या बोल देते? नेगेटिव चार्ज बोल देते, तो आज हम उसको नेगेटिव चार्ज ही पढ़ रहे होते, ठीक है? तो ये हमने बिहेवियर ऑब्जर्व किया है नेचर में, समझ में आई? यस सर। ये ऐसा ही था भाई, ये ऐसा ही एग्जिस्ट करता है, ये हमने खुद ऑब्जर्व किया है। हमने एप्पल को नीचे गिरते हुए खुद देखा है। हम ये कह रहे थे कि कोई भी चीज तुम नीचे फेंकोगे ना, अगर ये नॉर्मल कंडीशन है तो वो नीचे ही आएगी, क्योंकि मैंने देखा है। लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि आएगी तो ग्रेविटेशन की वजह से। मैंने उसको नाम तो दे दिया ग्रेविटेशन, क्योंकि अट्रैक्ट कर रही है अर्थ। लेकिन अर्थ क्यों अट्रैक्ट कर रही है? क्योंकि उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है। इसका रीजन लोग ये भी दे रहे हैं ना कि अर्थ सारी चीजों को सेंटर की तरफ, लेकिन रिपेल क्यों नहीं कर रही वो नहीं पता, लेकिन रिपेल नहीं करेगी, ठीक है? इसको एक्सप्लेन करने की हम कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। देखो हम फील्ड की बात करते हैं, कर रहे हैं ना फील्ड, क्योंकि अर्थ के अंदर अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, जिसके अंदर कोई और पार्टिकल आ जाए तो वो उसको अट्रैक्ट करता है, वो उसको रिपेल क्यों नहीं करता भाई? रीजन है, हम कई चीजों पे हम देखो ग्रेविटेशन तो बहुत हो रही है, अभी तक छोटे छोटे पार्टिकल का नाम भी बोल रहे थे जिसको बोलते हैं ग्रेविटोन्स। लेकिन बेसिक मोटा मोटा अभी के लिए मैं इसको फुली एक्सप्लेन नहीं करता था, ठीक है? जैसे हम काउंटिंग को नहीं बता पा रहे थे, ठीक है? यस सर। उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फोर्सेस। सबको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में तो नहीं बताया, अभी बताऊंगा कैसे। तो मैं अभी एक एग्जांपल देखता हूँ, स्ट्रॉन्ग और वीक को मैं एग्जांपल देताऊंगा, उससे पहले एक और छोटा एग्जांपल देंगे जिससे आगे सब पता चल जाएगा, हम फंडामेंटल की डेफिनेशन पूरी हो जाएगी हमारी। तो मैंने बोला कि मेरे को नहीं पता कि 5+4 9 क्यों होते हैं, लेकिन अब देखिए आप में से एक बंदा उठाता है, अभी जो पिछले क्लास में एग्जांपल दिया था वही उठा रहा हूं मैं। तो एक बंदा है आपके में से साहिल, साहिल राणा आप यही हैं? अरे बोल। हाँ साहिल, साहिल आप दुकान पे जाते हैं किसी आपके आसपास वाली, उसमें आप लेके आते हैं, सपोज करिए कुरकुरे लेके आ रहे हैं, एक कुरकुरे का पैकेट कितने का आता है साहिल, छोटे वाला? आप 5 लेके आए हैं, कितने रुपए भर के आए हैं सर? 5 कुरकुरे के पैकेट लेके आए हो आप दुकान से, कितने के रुपए भर के आए हो अभी अभी सर? 25। 25 रुपए। मैं पूछूं क्यों 25 रुपए भर के आए हो, 26 रुपए क्यों नहीं भर के आए भाई? आप क्या आंसर दोगे मुझे बताओ सर? उनका रेट है 5। बताओ बताओ, क्योंकि आपने बोला एक कुरकुरा सर 5 का है, तो 5 कुरकुरे कितने के होंगे? क्योंकि आपको 25. पता है कि 5 × 5 क्या होता है? 25। ठीक है, समझ में आ रही है। समृति आप यही है? यस सर। समृति आपने ये वाले जो कुरकुरे थे ना साहिल वाले, ये ले लिए 5 के 5 कुरकुरे, आपने अपने दोस्तों में बांटने थे, ठीक है? ये आप छोड़ो, ये पड़े रहे, हम आप दुकानदार से 5 कुरकुरे ले आए 25 रुपए के, ठीक है? इसको पड़े रहने, ये पड़े रहे, मैं खा लूं, ठीक है? आपने क्या लिया, 5 कुरकुरे के पैकेट ले लिए, अब आपने 5 दोस्तों में बांटने हैं, तो एक दोस्त को कितना मिलेगा सर? एक। एक कैसे पता सर? क्योंकि 5 दोस्तों को देने हैं एंड सर 5 ही कुरकुरे हैं हमारे पास, तो 5 को आपने 5 से डिवाइड किया, राइट? यस सर। है ना, तो आपको पता है कि मैं पूछूं आपको कि आपने हर एक दोस्त को एक कुरकुरे का किट क्यों दिया, आप कहोगे क्योंकि सर मुझे पता है 5 को 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 5 से 5 को डिवाइड करूंगी क्या आएगा? 1। तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई? अब मैं आपको 10 जने दे दूं और 20 कुरकुरे दे दूं, तो क्या आप नहीं बांट पाओगे 20 कुरकुरे के पैकेट? सर बांट लेंगे। एक को कितने दोगे उस टाइम? 10 जने हैं और 20 कुरकुरे के पैकेट है, तो एक को कितने दोगे सर? 2 देंगे, है ना? क्योंकि आपको पता है 20 / 10 = 2,
राइट यस सर। तो अभी हमने इसकी स्टोरी से हमें क्या पता लगा? सर 10 कोई के बांट देंगे और 10 खुद छुपा के रख लेंगे। हाँ, तो हमें वो तो ठीक है। हाँ, वो तो बताऊंगा मैं भाई साहब आपके पास भी आऊंगा। तो क्या था हमें इस स्टोरी से देखो क्या पता लगा कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो दुकान पे जा रहे हैं हम कुछ भी काम कर रहे हैं वो सारी सोल्व हो रही हैं। किस वजह से सोल्व हो रही हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड डिविजन से सारी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है या नहीं हो रही? चाहे कुछ भी करना yes, हो सर हो रही है ना। लेकिन हमें ये नहीं पता कि yes, हमें ये तो पता है कि अगर 5 पैकेट ला रहा हूँ एक पैकेट का 5 रुपए दाम है तो 25 रुपए दे के आने हैं मेरे को। क्यों? रीजन दे देंगे क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है सर। लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25 क्यों आता है, क्यों आता है? लेकिन मेरी बाकी सारी प्रॉब्लम इसी से सोल्व हो रही है। अगर मेरे को यही नहीं पता होगा 5 से 5 मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है तो क्या मैं कुछ कर पाऊंगा? नो सर। नहीं कर पाऊंगा। तो ध्यान से सुनना, मुझे फंडामेंटल चीजों की एक्सप्लेनेशन तो इतनी नहीं पता लेकिन इन फंडामेंटल चीजों को यूज करके मैं बाकी सब चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं सारी प्रॉब्लम सोल्व कर सकता हूँ। समझ में आ रही है? तुम्हें नहीं पता कि 5 को 5 से डिवाइड करने पर 1 क्यों आ रहा है लेकिन हाँ 5/5 1 होता है। इससे मैंने अपनी प्रॉब्लम जरूर सोल्व कर ली। समझ में आ रही है ये बात सबको? Yes, sir. बस हम खत्म करने वाले हैं टॉपिक को, खत्म करने वाले हैं इस उपचार डेफिनेशन को। तो फंडामेंटल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो बेसिक फंडामेंटल कोई भी चीज वो चीज जो बेसिक चीज है। क्या है? जोर से बोलो सारे। बेसिक चीज है लेकिन उसकी हेल्प से मैं बाकी कॉम्प्लेक्स चीजों को या किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसको चाहे पूरा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर सकता लेकिन बाकी सबको कर सकता हूँ। लेकिन हाँ अभी पेपर में ये नहीं लिख जाऊंगा कि इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि जारी है सब कुछ। तो मैं बोलेंगे फंडामेंटल फोर्सेस, ध्यान से सुनना, फंडामेंटल फोर्सेस वो बेसिक फोर्स है जिनकी वजह से, जिनकी हेल्प से मैं बाकी सारी फोर्सेस को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मेरे यूनिवर्स में जितनी भी फोर्सेज हैं वो सारी किससे मिलकर, किसकी वजह से एक्सप्लेन हो जाएंगी? फंडामेंटल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस, आर दोज बेसिक फोर्सेस विद द हेल्प ऑफ विच आई कैन एक्सप्लेन एनी अदर फोर्सेस इन द वर्ल्ड और द यूनिवर्स। ओके वो बेसिक फोर्सेस जिसकी हेल्प से मैं बाकी सारी फोर्सेस को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सपोज वैसे ही जैसे 2+2=4 नहीं पता कैसे होता है लेकिन 2+2=4 से मैं अपनी बहुत सारी चीजें हेल्प कर सकता हूँ वैसे ही। तो बाकी जो फोर्सेस रह गई फंडामेंटल फोर्सेस को छोड़कर, यानी फंडामेंटल फोर्सेस को छोड़कर बाकी जिन फोर्सेस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उन फोर्सेस का नाम क्या हो जाएगा? Derived forces. समझ में आ रहा है? उन फोर्सेस को क्या बोल दूंगा? Derived forces. दिमाग में थोड़ा हम इसको कल फटाफट रिवाइज भी करेंगे बारी। तो अभी के लिए समझो फंडामेंटल फोर्सेस क्या होती है? वो बेसिक फोर्सेस, वो फोर्सेस जिसकी हेल्प से मैं बाकी सारी फोर्सेस को क्या कर सकता हूँ? एक्सप्लेन। सबको समझ में आ रहा है? जिसको समझ नहीं आ रही वो हाथ ऊपर कर दे भाई एक बारी फटाफट, मेरे को समझ में आए फिर प्लीज हाथ ऊपर करे। और कोई शर्माने की बात नहीं है, नया कंसेप्ट है हमारे लिए। आ गया समझ? पक्का? बाकी सबको भाई एक ही को आया क्या? यस सर। इसको कल अच्छे से और करेंगे हम। फंडामेंटल फोर्सेस को, हाँ बोलो क्या कह रहे हो? आपकी क्लास है मंडे को। मंडे को है, चलो कोई बात नहीं, मंडे को कर लेंगे। yes, तो फंडामेंटल फोर्सेस वो फोर्सेस जिसकी हेल्प से हम बाकी सारी फोर्सेस को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सॉरी, तो एक्सप्लेन कर दिया, तो बाकी को एक्सप्लेन कर दिया, जो जिनको एक्सप्लेन किया उसका नाम क्या पड़ जाएगा? डिराइव्ड फोर्सेस। समझ में आ रही है ये बात? Yes, sir. अगर उससे रिलेट करें डायमेंशनल फॉर्मूले वाले से, तो
दो डायमेंशन फॉर्मूले में हमने दो क्वांटिटीज पढ़ी थी, फंडामेंटल एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती होंगी? इंडिपेंडेंट होती है सर, वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है ना. ऐसे ही फंडामेंटल फोर्सेज भी इंडिपेंडेंट और बेसिक फोर्सेज. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बेसिक क्वांटिटीज जिनके बारे में अभी कुछ नहीं, मतलब मेरे को पता है कि ये ऐसी ही होती है. और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती होंगी? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिनकी है तो मैं बाकी सारी क्वांटिटीज को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, है ना. यस सर. डिराइव्ड जो बाकी बच गई ना, जिनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उन क्वांटिटीज को क्या बोल दूंगा? डिराइव्ड. फॉर एग्जाम्पल मैं लेंथ, अब तुम्हें पता है लेंथ को मैं डायमेंशन एल क्यों लिखता हूँ बताओ? क्योंकि वो फंडामेंटल है. अब आंसर बदल गया ना, एल इसीलिए लिखता हूँ क्योंकि फंडामेंटल है भाई. ये तो मार्क सेट कर दिया मैंने, जैसे किसी ने बोला था कन्वेंशन ले ली मैंने एल. टाइम को मैं हमेशा क्या लिखूंगा? टी. लेकिन तुम ऐसे बोलो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी? वेलोसिटी की इसका रीजन दे सकते हो तुम, वेलोसिटी की एल टी माइनस वन क्यों होती है भाई? क्योंकि इसके अंदर दो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेंथ और टाइम. और दोनों को क्या किया मैंने? डिवाइड किया हुआ है ना. क्या किया हुआ है? डिवाइड. ऊपर लेंथ है, नीचे टाइम है, बीच में कौन सा साइन है? डिवाइड. डिविजन. तो ये क्या बन गया? एल वेलोसिटी में दो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेंथ की और टाइम की, और दोनों डिवीजन में, इसीलिए वेलोसिटी को बोल रहा हूँ एल टी माइनस वन. यहाँ तो आंसर है भाई साहब. ये भी बता दूं, फोर्थ की डायमेंशन क्या होती है? और छोटा कर लेते हैं, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस टू. क्यों? वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी अपॉन टाइम. क्योंकि इसके अंदर दो क्वांटिटीज हैं, इसको भी तोड़ो तो क्या होगा? लेंथ अपॉन टाइम हो जाएगा ना. तो दो टाइम हो गया, ऊपर एक लेंथ हो गया. तो क्या बोलूंगा? क्यों होती है एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू? क्योंकि इसके अंदर दो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, एक तो लेंथ की और एक टाइम. टाइम की. और लेंथ की तो एल लिख रहा हूँ, और डिवाइड बाय में टाइम की कितनी है? दो बार है. तो टी का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया. और दोनों में डिवीजन का साइन है, इसलिए इसको लिख दिया एल टी माइनस टू. ये रीजन दे सकता हूँ. ये रीजन मैंने को कैसे पता लगा? फंडामेंटल की फॉर्म में. किसकी फॉर्म में बताया मैंने? फंडामेंटल. फंडामेंटल. अगर मेरे को एल के बारे में ना पता होता, टी के बारे में कुछ ना पता, तो क्या मैं एक्सेलरेशन की डायमेंशन बता सकता था? नो सर. मैंने इसको तो एक्सप्लेन कर दिया फंडामेंटल की फॉर्म में, इसलिए ये कैसी डिराइव, कैसी क्वांटिटी है? डिराइव्ड. डिराइव्ड. लेकिन मैं इसके बारे में नहीं बता पाता कि इसको टी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये कैसी है? फंडामेंटल. फंडामेंटल है. ये फंडामेंटल का एक फीचर पड़ा है आपने सिर्फ, इसको हम अभी इतना पूरा एक्सप्लेन, लेकिन एक्चुअल में इसका रीजन ये नहीं है कि मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा. हाँ, कुछ हद तक यही है. आगे फंडामेंटल के बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो हम आगे आगे बढ़ते बढ़ते पढ़ेंगे, ठीक है? समझ लेना इस बात को. अभी के लिए तो फंडामेंटल की जो तुम, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ ऐसे मत लिखाना कि जिसको हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते. नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे. कर भी सकते हो तो हमें अभी नहीं पता. तुम इसलिए ऐसे लिखो, फंडामेंटल फोर्सेस वो चीज जो बेसिक है. क्या है? बेसिक है, जिनकी हेल्प से हम बाकी सारी चीजों को क्या कर दें? एक्सप्लेन. ये करेक्ट डेफिनेशन है, कोई गलत नहीं कर सकता इसकी. फंडामेंटल फोर्सेस वो फोर्सेस जिनकी हेल्प से हम बाकी सारी फोर्सेस को एक्सप्लेन करें. तो इसके बारे में पढ़ेंगे, ये चारों डेफिनेशन, ये चारों के बारे में. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, स्ट्रॉन्ग, वीक. तो आसपास जितनी भी फोर्सेस है ना, वो सारी किससे मिलकर बनी हुई है? इन्हीं चार फोर्स. टेंशन फोर्स. टेंशन फोर्स का नाम सुना हमने? यस सर. क्या इन चारों में आ रहा है वो? देखो, दिख रहा है तुम्हें कहीं? नो सर. नो सर. लेकिन वो इन्हीं से एक्सप्लेन होता है. गूगल जाके सर्च कर रहा है गूगल बाबा को, टेंशन फोर्स आएगा. टेंशन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. क्या आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. ऐसे ही फ्रिक्शन के बारे में सर्च करोगे तो फ्रिक्शन भी क्या आएगा? एक कैसी फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. आज जाके यही तुम्हारे दिमाग में जो भी फोर्स है ना, वो सोचना इन चारों के अलावा.
और उसको गूगल करना, गूगल पे क्या लिखना मैं बता रहा हूँ। अगर मान लो मेरे मन में आ रहा है टेंशन, टेंशन फोर्स, तो मैं लिख रहा हूँ गूगल पे विच, लिख लो चाहे तुम विच टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्स इज टेंशन, या इसको अच्छे से लिखूं मैं इंग्लिश को, टेंशन इज विच काइंड ऑफ फंडामेंटल फोर्स। ऐसे ही मैं पूछूं नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इज कम, नॉर्मल रिएक्शन कम अंडर विच टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्स, ग्रेविटेशनल, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकता है ना। हाँ, लेकिन ये है कि तुम अपनी डेली लाइफ में जो भी करते हो ना, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ए और बी का, सी और डी का नहीं होगा वो, क्योंकि इतना हम सी और डी में नहीं जाते, वो न्यूक्लियर प्रोसेसेस में ज्यादा होता है, एटॉमिक लेवल पे, सॉरी। ठीक है, अभी हम बड़े लेवल पे ही देखते हैं ना अपने आसपास जो चीजें होती हैं, तो वो ए और बी से मिलकर बनी है। तो तुम कोई भी फोर्स अपने डेली लाइफ में इमेजिन करना, गूगल में डालना, उससे पूछना ये कौन सी फंडामेंटल फोर्स है, वो तुम्हें बताएगा। ठीक है, वो सारी फोर्सेस जो तुम देख रहे हो वो सारी डेराइव्ड है। हाँ, इनके अलावा बोलो, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था क्या सर? हाँ सर, वीकली टेस्ट में क्या क्या होगा? अरे आपका वीकली टेस्ट देखो, फिजिक्स का तो मेरी वजह से रुक गया, वरना तुम्हारा फिजिक्स का हो रहा था, क्योंकि हमने थोड़ा सा स्लो पढ़ाया था ना, तो मैंने बोला था कि मेरे बच्चों का सिलेबस फिजिकल वर्ड कराया नहीं, तो आपका जो शायद केमिस्ट्री का है ना मेरे ख्याल वीकली टेस्ट। यस सर। हाँ, फिजिक्स का इस बार, इस संडे तो नहीं है फिजिक्स का, अगले संडे का देखेंगे, लेकिन सिलेबस इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा जल्दी आओ, क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में, है ना? तो तभी मैं बोलता हूँ कि थोड़ा जल्दी आना, तो तारा क्या कि तुम्हारा भी टाइम ज्यादा ना जाए आगे, 5-10 मिनट जल्दी ज्वाइन किया करो, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से करेंगे सब 5-10 मिनट जल्दी, वरना अगर तुम जल्दी नहीं करोगे मेरे पास एक ही चॉइस रह जाएगी बच्चों में, पहले बता रहा हूँ, मेरे पास मैनेजमेंट में बोलेंगे कि आप सिलेबस भी कराओ आगे, तो मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा आगे, स्पीड अप करना पड़ेगा। और मैं ये चीज जो आपको भी मैंने कराई है वो मैं ऐसे भी बता सकता था कि बच्चों आज हम करेंगे फंडामेंटल फोर्स, फंडामेंटल फोर्स मतलब बेसिक फोर्स, जिसकी वजह से हम बाकी सब एक्सप्लेन करते हैं। आइए पढ़ते हैं फंडामेंटल फोर्स के बारे में। फंडामेंटल फोर्स आर फोर टाइप्स, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर। ग्रेविटेशनल मास की वजह से, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, न्यूक्लियर न्यूक्लियर प्रोसेस में, और ये रेडियो एक्टिव डीके में होती है। आज का लेक्चर खत्म। कितनी देर लगी सर ऐसा प्रैक्टिस के टीचर? तो ऐसे मैं बना सकता हूँ, है ना? तो अगर आपको चाहते हो कि आप भी कि अच्छे से इंटरेक्शन हो, तो आपको थोड़ा जल्दी ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है? यस सर, यस सर, एक बार कोशिश करना, ताकि फिर मेरे ऊपर भी डंडा ना आ जाए कि इसको जल्दी जल्दी कराओ, आप पीछे चल रहे हो। हम कोशिश करेंगे कि अब अगला टेस्ट आपका वीकली फिजिक्स का ही होगा शायद, जितना मुझे अंदाजा है, तो हम उस तक सिलेबस अच्छे से कवर कर दे, यूनिट एंड डायमेंशन का भी कुछ पार्ट, ठीक है? इसमें तो अब एक ही चीज रह गई हमारी, फंडामेंटल फोर्सेस और कंजर्वेशन लॉज पढ़ना है हमने बस, ठीक है? ये चैप्टर तो खत्म कर। हाँ, सिलेबस में बच्चे आप तो जेई के हो, तो जहां तक मुझे पता था उसमें अगर केमिस्ट्री का भी बनेगा तो कुछ इंटीजर टाइप्स क्वेश्चन आएंगे और कुछ एमसीक्यू टाइप आएंगे, ठीक है? सब्जेक्टिव नहीं आएगा थ्योरी वाइज, एमसीक्यू एंड इंटीजर टाइप मतलब आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप करने होंगे, ठीक है? यस सर, यस सर, यस सर। मार्क्स का भी कोई साइडेड नहीं है, अगर अभी कह रहे हैं कि केमिस्ट्री का हो रहा है, अगर तीनों सब्जेक्ट का होता तो मुझे आइडिया था कि एक का अगर नीट का होता तो शायद 160 का होता, और जेई का होता तो 80 मार्क्स का होता उस टाइम। अब के लिए कोई आइडिया है मुझे मार्क्स का, तो तुम्हें इस हफ्ते संडे को टेस्ट दो, तुम्हें पता लग जाएगा कि कैसे आएगा पेपर, ठीक है? यस सर, यस सर। तो बेस्ट ऑफ लक आपका केमिस्ट्री का, एक बार कंफर्म कर लेना, फिर भी मेरे हिसाब से तो केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का नहीं है ये पक्का, ठीक है? तो किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करे, वरना मैं आज लेफ्ट कर रहा हूँ मीटिंग, क्योंकि कल बच्चे बोर हो गए थोड़ा मुझे लग रहा था। कल हम 11:29 तक खींच गए, 11:16 तक। गुड नाइट सर, क्लास में मजा आता है, नहीं होते बोर। यस सर। किसी को डाउट है? नो सर, नो सर। ठीक है, ठीक है, ओके।
जाओ, जिसने जाना मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ और जा रहा हूँ, फिर भी किसी को डाउट है तो आप बीच में। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। तो मैं ऐसा कह सकती कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स को माइक्रोस्कोपिक वर्ड में पढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को क्या पढ़ते हैं सर? हम इसको माइक्रोस्कोपिक वर्ड में पढ़ते हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक वर्ड में भी पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे होगी? ये तो नहीं सर, ये तो माइक्रो में नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये तो छोटी सी नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सिर्फ, ओके गुड गुड, शुभ रात्रि अमला जट। हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा हूँ ना, तो वो माइक्रोस्कोपिक की बात है। लेकिन अगर मैं क्वांटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की चीजों की बात कर रहा हूँ, तो वो माइक्रोस्कोपिक में है बच्चे। समझ में आया? जैसे ये तो बोथ में भी आ सकती है। बोथ में भी आएगी। किसने कहा है तुम्हें कि एक में आएगी? यस सर। लेकिन हाँ, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल रहा हूँ ना, तो सिर्फ मैक्रो की बात हो रही है जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। हाँ, क्वांटम बोल रहा हूँ तो किसमें आ जाएगी? सिर्फ माइक्रो। माइक्रो। हाँ सरिता, आपको भी समझ में आई ये बात? हाँ, इसीलिए हमारा जो असाइनमेंट अभी डिस्कस किया था उसके अंदर हमने बोला था क्लासिकल फिजिक्स का आंसर क्या आया था? मैक्रो। क्या आया था? क्योंकि उसके अंदर ये सारी आ जाएगा। अभी न्यूक्लियर की बात नहीं कर रहा, उसको इसके साथ रिलेट मत करना, वो हमने उनके साथ रिलेट किया है। कौन कौन सी फोर्स, कौन कौन सी फोर्स भी नहीं, ब्रांचेस फिजिक्स की, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स। यस सर। हाँ, उसको इसके साथ रिलेट मत करो, ये अलग है। इसमें माइक्रो, देखो इसमें जो लास्ट की दो फोर्सेस हैं वो माइक्रोस्कोपिक वर्ड में आती हैं। यस, न्यूक्लियर फोर्सेस, क्योंकि उनका नाम से स्पष्ट है, न्यूक्लियर फोर्सेस। फिर इनको क्या ऊपर वाली दो आती तो दोनों में है, लेकिन माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोपी में ये कैसे वर्क करती हैं, अभी हम बात करेंगे कैसे अगले लेक्चर में। सरिता, आपको और क्लियर होगा अगले लेक्चर में। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? सर, जो आपने रेंज बताई थी फिजिक्स की, वो जीरो टू इनफिनिटी बताई थी, लेकिन बुक में कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है वहाँ पे, तो हाँ बच्चे, इलेक्ट्रॉन फिजिक्स की रेंज होती है वो जीरो टू इनफिनिटी ही होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फिजिकल वर्ल्ड कैसा होता है हमारा, एंडलेस। तो फिजिकल वर्ल्ड एंडलेस है, तो फानी फिजिक्स की रेंज भी एंडलेस है। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। आपने किया नेट पे सर्च? नो सर, बट एनसीईआरटी में हमें दिया है कि वो इलेक्ट्रॉन टू यूनिवर्स होगी। मुझे एग्जैक्ट लाइन पढ़ के सुनाना, ठीक है? मैं आपके सामने ही अगर सर्च करूं, अभी एक सेकंड रुको, मैं डाल रहा हूं गूगल पे कि रेंज ऑफ फिजिक्स, आपको पढ़ के बताऊंगा मैं क्या आ रहा है। अरे ये तो वहां पहुंच गया, प्रोजेक्टाइल पे। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करना फिजिकल वर्ड पे, ठीक है? चलिए, एनसीईआरटी में ना बच्चे एग्जैक्ट लाइन बताओ ना मुझे क्या है। सर लिखा है रेंज ऑफ मासेस गोस फ्रॉम से 10^-30 केजी मास। से क्या लिखा हुआ है? से, उससे पहले लाइन पढ़ो, वो आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। फिर अगर से का मतलब है, ऐसे ऐसे मान लो, सब ऐसे मैं बोल रहा हूँ, अगर कि मैं आपको एक फिनोमिना बता रहा हूँ से, ग्रेविटेशनल फिनोमिना, तो क्या इसका मतलब यही है कि दुनिया में सिर्फ ग्रेविटेशनल फिनोमिना है? बताओ। नो सर, नहीं ना। तो वो से का मतलब, जब भी हमें इसलिए बोलते हो, एक लाइन अच्छे से पढ़ना, उसको से का मतलब होता है हाँ मैं इस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। सब आप में से कोई किराने की दुकान पे या जनरल स्टोर पे कुछ लेने गया, से शिवानी, तो इसका मतलब मैंने बोला कि हाँ शिवानी गई, तो वो कह रहा है कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होंगे वहां पर, वो एनसीईआरटी में। ठीक है, आप मेरे को ना वो पैराग्राफ है ना जो, आप मुझे वो मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, पिक भेज के उसको। यस सर, वेदांतु वालों ने भी लिखा जीरो टू इनफिनिटी। हाँ, जीरो टू इनफिनिटी ही होती है, बट कोई बात नहीं। प्रगति, आपका भी क्वेश्चन अच्छा है, आप बताइए मुझे एनसीईआरटी में, आप वो जो लाइन है ना दो तीन, उसको आप मेरे को व्हाट्सएप कर दोगे? हाँ लेकिन जीरो टू इन्फिनिटी ही होती है, क्योंकि फिजिकल वर्ड हमारा जीरो टू बेटा वो है, एंडलेस है। ठीक है, हाँ आप ने, लेकिन वो भूलना मत, मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँ। अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर एनसीईआरटी में लिखा हो तो वो कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा होगा आपको, एग्जाम्पल दे के। ठीक है, गुड नाइट सर।
गुड नाइट, गुड नाइट। और किसी का कोई शुभ रात्रि, शुभ श्री, आपको भी अच्छी नींद आए कुलभूषण जी। गुड नाइट सौरभ, गुड नाइट शिवानी। तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।